उस ट्रिप में मैंने किसी तरह से सनाया को मना लिया था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्रज्ञा को समझाने के लिए कि मेरे और सनाया के बीच में एक रिश्ता है। शहर में था तो मैं उसे इतने मिल नहीं पाता था। मुझे पता था कि जब भी उसको इस बात का पता चलेगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन इस ट्रिप में उससे मिलना जरूरी था। फिर से मेरे पीछे पड़ गई, उससे समय लेना बहुत ही जरूरी था। कर्ज में डूबा हुआ हूं, बिजनेस चल नहीं रहा, आखिर मैं करूं तो करूं क्या?